यहाँ पर बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 में x की वैल्यू को फाइंड करना है और जो x प्लस 4 है आपके पास HCF के तौर पर काम कर रहा है और उसकी दो आगे हमारे पास पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन है। एक पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन ये है और दूसरी आपके पास ये है। अब यहाँ पर क्या है कि x प्लस 4 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है इन दो एक्सप्रेशन पर, मतलब ये कि आपका जो रिमाइंडर वाला आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए इक्वल 0 को। तो हम सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं कि आपके पास जो x प्लस 4 है वो इक्वल 0 के है। यहाँ से अब क्या होगा, x की वैल्यू मालूम हो जाएगी, x इज इक्वल आएगा आपके पास माइनस 4, यहाँ पर प्लस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पर जाकर माइनस होगा। अब आप क्या करें, इन दोनों में से किसी भी वैल्यू के अंदर माइनस 4 की वैल्यू को पुट कर दें और आपके पास k की वैल्यू मालूम हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको पुट कर लेते हैं इस वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि जो आपके पास px है वो इक्वल है x की स्क्वायर प्लस x माइनस 2k प्लस 2k। अच्छा बेटा, अब आप क्या करें, x को रिप्लेस कर दें माइनस 4 के साथ। तो यहां आप लिख लें कि x रिप्लेस्ड बाय माइनस 4। क्या हम x को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, माइनस 4 के साथ। तो यहां पे जहां जहां पर आपके पास x के है वहां वहां पर आप माइनस 4 को पुट कर दें। तो यहां पर भी आपके पास माइनस 4 आएगा और ये आपके पास 2k प्लस 2 आएगा। अब देखिए बेटा, हमारे पास ये वैल्यूज आ चुकी है। अब आप इसका स्केयर ओपन कर लें। जब हम स्केयर ओपन करेंगे आपके पास आएगा 16 प्लस माइनस माइनस 4 और साथ आपके पास यहाँ वैल्यू में माइनस था तो आप यहाँ पर माइनस लिख लें। तो यहाँ आपके पास माइनस है, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर आपके पास माइनस मौजूद हो हम ओपन करते हैं तो क्या होता है, अंदर वाले साइन आपके चेंज हो जाते हैं। तो आपके पास आएगा 2k माइनस 2 आएगा। तब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 16 में से 4 निकालें आपके पास 12 में से आप क्या करें 2 को माइनस करें तो आपके पास आएगा 10 माइनस 2k और यहाँ पर आपके पास था माइनस के पी और माइनस 4। अच्छा बेटा, हमने क्या बात की थी कि जो हमारे पास x प्लस 4 है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है इन दो पॉलीनोमियल एक्सप्रेशंस पे, तो इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह पर हम 0 की वैल्यू पुट कर देते हैं और यहाँ पर 10 माइनस 2k आ जाएगा। अब हमारे पास k की वैल्यू मालूम करना आसान हो गया है। बाकी मैं यहाँ पर करता हूँ, तो यहाँ पर देखें बेटा ये 2k आपके पास माइनस हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो आपके पास क्या आएगा, प्लस में और इक्वल 10। तो यहाँ पर आपके पास 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो बेटा आपके पास वो डिवाइड होगा। तो 2 5 10, k की वैल्यू आपके पास 5 आ गई है। तो इसी तरह अगर आप दूसरे एक्सप्रेशन में भी, हमने a की वैल्यू मालूम करनी है k की, तो वो चाहे आप इसके अंदर पुट करके मालूम कर लें, चाहे आप इसके अंदर पुट करके मालूम कर लें। अगर आप दूसरी वैल्यू के अंदर इसके अंदर भी माइनस 4 पुट करेंगे तब भी आपके पास जो आंसर आएगा वो 5 ही आएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बेटा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास ये जो x प्लस 3 और x माइनस 2 है वो है HCF किन दो वैल्यूज का, एक हमारे पास px का और दूसरा qx का। तो सबसे पहले हम कंसीडर वही कर लेते हैं, x की वैल्यू को मालूम कर लेते हैं। कंसीडर कि जो आपके पास ये HCF की वैल्यू है x प्लस 3 इक्वल 0 कर लेते हैं और दूसरी साइड पे x माइनस 2 को इक्वल 0 कर लेते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पर प्लस इक्वल के इस साइड पे आके क्या होगा, माइनस 3 होगा और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आके आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। इसमें बेटा दरअसल आपने मालूम क्या करनी है, k की वैल्यू मालूम करनी है और l की वैल्यू को मालूम करना है। तो बेटा देखिए, अब हम क्या करें, अगर x 3 माइनस 3 को पुट करें किसके अंदर, px के अंदर। तो देखिए अगर माइनस 3 यहाँ पुट करते हैं तो माइनस प्लस माइनस 3 से कैंसिल और आंसर क्या आएगा, 0। तो 0 जब इस इन तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास k की वैल्यू नहीं आएगी। तो अब आप क्या करें,
ये जो x है इक्वल टू के उसको पुट कर दें px में, और जो -3 है उसको आप पुट कर दें किसके अंदर, qx में। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि -3 को पुट करते हैं qx में, तो यहां मैं लिखता हूं qx इज इक्वल है x माइनस टू 3x² प्लस 7x और माइनस n। तो अब बेटा आप क्या करें, फिर यहां पर लिख लें कि x रिप्लेस्ड बाय -3, क्या हम x को रिप्लेस कर रहे हैं -3 के साथ। तो यहां पर आपके पास फिर वैल्यू क्या आएगी, q -3, यहां पर -3 -2 और 3x², x की जगह पर आपके पास -3 का स्केयर आएगा प्लस 7 -3 और यहाँ पर माइनस एल आएगा। अब देखिए बेटा माइनस और माइनस प्लस, तो ये आपके पास आएगा -5, तो 3 3 9, तो यहाँ आपके पास वैल्यू आएगी 3 9 प्लस माइनस माइनस 7 3 21 और माइनस एल आएगा। तो हम इसको भी यहाँ पर ही सॉल्व कर लेते हैं, 9 3 आपके पास क्या आएगा 27, तो हम यहाँ पर 27 लिख लेते हैं। अब 27 में से आप माइनस करें 21 को, तो आपके पास बेटा क्या आएगा, यहाँ पर माइनस 27 में से 21 को माइनस करें तो आपके पास 6 माइनस एल आएगा। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या है, क्यू माइनस 3 और क्यू माइनस 3। तो हमारे पास जो रिमाइंडर आना चाहिए, मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, वो इक्वल क्या आना चाहिए, 0 के। तो हम इस वैल्यू को 0 के इक्वल कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ इक्वल 0। अब देखिए बेटा यहाँ पर 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों वैल्यू के साथ। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 6 आपके पास क्या आएगा 30 माइनस 30 माइनस और माइनस प्लस, और 5 को एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 5 l। तो यहाँ पर माइनस 30 हो रहा है, तो इक्वल के इस साइड पे आके आपके पास क्या हो जाएगा, वो प्लस होगा, तो आपके पास वैल्यू आएगी 5 l इक्वल है 30 के। तो 5 यहाँ आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के साइड पे आके डिवाइड होगा, और 5 को जब 30 पे डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एल आएगा, 5 6 30। एल की वैल्यू हमें मालूम हो चुकी है, और वो क्या आई है हमारे पास 6 आई है। अब इसी तरह हम मालूम कर लेते हैं किसकी वैल्यू को, के की वैल्यू को, और किसके अंदर पुट करना है, एक्स इक्वल टू के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले वैल्यू के, पी एक्स आपके पास है x प्लस 3 2x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। अच्छा बेटा अब आप क्या करें, फिर रिप्लेस कर ले, लिख ले यहाँ पर कि आपका जो x है वो रिप्लेस हो कर रहे हैं हम किस चीज से, रिप्लेस बाय 2 से। तो आप जहां जहां पर भी आपका x मौजूद होगा आपने क्या करना है, वहां वहां पर 2 को पुट कर देना है, तो आपके पास फिर वैल्यू आएगी 2 2 प्लस 3 और 2 2 का स्क्वायर माइनस 3 2 और प्लस के आएगा। अब बेटा अब इनको ऐड कर ले, 3 में 2 ऐड करें 5, और यहां पर आपके आएगा 2 2 4, 4 को फिर आप मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो आपके पास 8 आएगा। तो 3 2 6, तो यहाँ आपके पास आएगा माइनस 6 प्लस के। अब आप क्या कर ले, इन दोनों को माइनस कर ले, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर आप लिख लें 5 2 प्लस के, तो 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, और यहाँ पर जो आपके पास P2 है इसको आप रिमाइंडर काट लें 0 के। तो यहाँ पर आपके पास 5 2 10 और आपके पास आएगा प्लस 5 के। तो यहाँ पर जो आपका क्या है कि 10 प्लस हो रहा है, इक्वल के साइड पे आके माइनस होगा, तो आपके पास वैल्यू आएगी 5 के माइनस 10, तो 5 5 5 5 2 10 के इक्वल आ गया आपके पास -2 के। तो ये बेटा था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बेटा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 मौजूद है, इसमें उसने क्या कह देख लेते हैं हम कि हमारे पास जो एलसीएम एंड एचसीएफ है 2 पॉलीनोमियल का, तो आपके पास एलसीएम किस, एलसीएम की कौन सी वैल्यू आपके पास, एलसीएम की ये पहली वैल्यू है 2x4 - 1, और जो एचसीएफ है उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, ये वाली मुकम्मल। तो इसमें आपने क्या मालूम करना है, दरअसल कि qx की वैल्यू को मालूम करना है, px की वैल्यू भी उसने दी हुई है। तो इसके लिए जो आपका फार्मूला आता है वो कुछ यूं आता है कि यहाँ पर कि एचसीएफ प्रोडक्ट है किसका, एलसीएम का,
और वो दोनों इक्वल है आपके पास px मल्टीप्लाई बाय qx के। तो ये बेटा आपके पास फार्मूला है, और जो अगले आपके पास नेक्स्ट टू क्वेश्चंस हैं उसके अंदर भी आपका यही फार्मूला यूज होगा। अब हम इसको देख लें, क्या लेते हैं कि HCF की मैंने मैं आपको पहले वैल्यू बताई है ये वाली है, LCM की ये वाली है, PX आपके पास मौजूद है, PX की वैल्यू आपके पास क्या है ये वाली। तो आपने जस्ट क्या करना है, QX की वैल्यू मालूम करनी है। तो बेटा सिंपल है, हमारे पास तीन वैल्यू तो रिक्वायर है, आपने चौथी वैल्यू मालूम करनी है। तो तीनों वैल्यूज को पुट करने के बाद आप चौथी वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले HCF की वैल्यू पुट करते हैं कि वो हमारे पास क्या है, x+1 x² + 1। एलसीएम की आपके पास वैल्यू क्या है ये, तो यहां मैं लिखता हूं 2x^4 - 1। और पीएक्स की वैल्यू आपके पास बेटा ये दी हुई है, तो आपके पास आएगा x³ + x² + x + 1। और आपने जस्ट क्या करना है, क्यू एक्स की वैल्यू को मालूम करना है। तो बेटा आप देखें, सबसे पहले तो हम इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ताकि हमारे पास काटना भी आसान हो और वैल्यू हमारे पास शॉर्टकट के आ जाए। तो हम यहाँ साइड पे इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं कि आपके पास x³ + x² + x और + 1 है। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले दो वैल्यू के अंदर क्या चीज कॉमन आ रही है, आपके पास x की स्केयर कॉमन आ रही है। तो अब आप x की स्केयर को कॉमन लें तो अंदर क्या आपके पास वैल्यू रह जाएगी 1x, और यहाँ पर आपके पास फिर 1 रह जाएगा। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही। तो अब आप क्या कर ले, यहाँ पर 1 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर जब मैं 1 कॉमन लूंगा आपके पास आएगा x+1। तो अब आप बेटा देख सकते हैं कि ये दोनों आपके दरमियान वाली वैल्यू सेम है। तो अब आप इसको एलसीएम के तौर पर बाहर निकाल लें, बाकी आपके पास एक एक्स स्क्वायर बचेगा और साथ +1 रह जाएगा। तो अब हमने फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी आपके पास दो वैल्यू या आती हैं तो आप उसको यहाँ पर लिख लें। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ x+1 x² + 1, और यहाँ पर आपके पास है क्यू एक्स की वैल्यू। ये तो आपके पास सॉल्व हो गया। इसी तरह हम अब इस वैल्यू को भी सॉल्व कर लेते हैं कि आपके पास क्या है, x^4 - 1 है, और ये किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, किस फॉर्मूले को फुलफिल कर रहा है वो हम देख लेते हैं। कि ये जो है आपके पास आता है, जैसे फॉर्मूला हमारे पास है a² - b² इक्वल आता है a+b और a-b, कि एक दफा उसको प्लस करके लिख लिया जाता है और दूसरी दफा उसको माइनस करके लिख लिया जाता है। तो अब ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल कर रहा है, हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, एक्सप्रेशन x^4 - 1 है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको एक दफा एक्स की स्केयर का स्केयर लिख लेते हैं और माइनस 1 का स्केयर लिख लेते हैं, क्योंकि 1 का स्केयर जितना मर्जी लें वो आपके पास 1 ही आता है। तो अब आप क्या करें, इसको एक दफा प्लस करके लिख लें और एक दफा माइनस, x^2 - 1 और x^2 + 1 आएगा। अब आप बेटा देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर हमारे पास ये फर्दर दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है, एक फिर प्लस में और दोबारा फिर माइनस के अंदर। तो हम इसको फिर चेंज कर लेते हैं, x - 1 x + 1 और x^2 + 1। अब आप बेटा क्या कर लें, ये जो वैल्यू थी x^4 - 1 इसकी जगह पर ये जो तीन वैल्यूज न्यू आई हैं इनको आप पुट कर लें। तो आपके पास फिर नेक्स्ट आ जाएगा x+1 x² + 1 और क्या आई है, x - 1 x + 1 x² + 1। अब हमने चूंकि मालूम क्या करनी थी, पी एक्स की वैल्यू मालूम करनी थी, तो जाहिर सी बात है अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है एक्सप्रेशंस, और इक्वल के इस साइड पे आके क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x+1 x² + 1 x - 1 x + 1 x² + 1 और डिवाइडेड बाय x+1 और x² + 1, और इक्वल किसके आएगा आपके पास बेटा, क्यों एक्स के आएगा। अब देखिए इसमें जो जो वैल्यू कट रही है आपने क्या करना है, सिंपल उसको काट देना है और आपके पास फिर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें आपके पास ये जो 2 था ये मिसिंग हो गया, तो अब आप यहाँ पर लिख लें 2 और ये 2, मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। अब आप क्या काट लें, इस वैल्यू को इससे कटिंग कर दें, इस वैल्यू को इससे कटिंग कर दें, तो आपके पास बाकी वैल्यू क्या बचेगी, ये पी क्यू एक्स मैं पहले लिख लेता हूँ, क्यू एक्स इज इक्वल है 2x - 1 x + 1 x² + 1।
तो देखिए बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, इस वैल्यू से इस कंडीशन पे आ जाएगी कि आपके पास आएगा 2x² - 1 और यहाँ x² + 1 है आपके पास। अब फिर इसको आगे फिर सॉल्व किया जाएगा तो x के स्केयर और x के स्केयर फिर क्या बन जाएगी हमारे पास, x की पावर 4 में आ जाएगी। तब आप यहाँ पर लिख लें 2x⁴ - 1 और यहाँ पर आप qx लिख लें। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इन तीनों क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी मसला पेश आया आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।